दुनिया भर में केसर का उपयोग किया जाता है और इसके औषधि गुणों के बारे में हम सभी जानते हैं। केसर का उपयोग मिठाई, खीर और दूध में अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके उपयोग से भोजन का स्वाद, सुगंध और रंग भी बदल जाता है। केसर हमारी सेहत के लिए जितना फायदेमंद होता है उतना ही महंगा भी होता है। हम सभी जानते हैं कि केसर बहुत महंगा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केसर इतना महंगा क्यों होता है? केसर एक प्रकार का मसाला है और यह दुनिया का सबसे महंगा मसाला भी है। इसका उपयोग भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किया जाता है। केसर को भारत में केसर, पाकिस्तान और कश्मीर में जाफरा और अंग्रेजी में सैफ्रोन कहा जाता है। केसर का पौधा जामुनी रंग का होता है, जिसके फूल के अंदर धागे के रूप में केसर होता है। केसर के कई आयुर्वेदिक फायदे भी हैं। केसर के महंगे होने के कई वजह हैं। पहली बात तो यह कि केसर की खेती कुछ चुनिंदा जगहों पर ही की जा सकती है, क्योंकि इसके अनुकूल जलवायु हर जगह नहीं मिलती है। इसकी खेती और कटाई की प्रक्रिया भी काफी जटिल होती है और इसकी कटाई मशीन द्वारा नहीं की जा सकती, इसलिए इसकी कटाई छटाई में बहुत अधिक मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा केसर के विशिष्ट स्वाद, सुगंध, रंग और गुण इसे महंगा बनाते हैं। केसर की कीमत लगभग 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए प्रति किलो होता है। केसर निकालने की प्रक्रिया में काफी मेहनत लगती है। इसके लिए केसर के पौधे के फूल को हाथों से तोड़ा जाता है, फिर इन्हें किसी छायादार स्थान पर 4 से 5 घंटे तक सुखाया जाता है। प्रत्येक फूल में लाल रंग के 3 केसर होते हैं, जिनमें हाथों से निकालकर अलग किया जाता है। इस प्रकार लगभग 1.5 लाख फूलों में से 1 किलो केसर ही निकलता है। बाजार में नकली केसर भी बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में जबकि केसर इतना महंगा है तो हमें इसके असली होने की भी पुष्टि कर लेनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि असली केसर की पहचान कैसे करें? असली केसर की पहचान करने की एक आसान सी विधि है। सबसे पहले एक सफेद कागज पर केसर के 1-2 टुकड़े रखें। अब इस पर ठंडे पानी की 2-3 बूंद डालें। अब यदि केसर असली होगा तो वह हल्का सा पीला रंग छोड़ेगा, जिससे पानी पीला हो जाएगा और केसर अपने लाल रंग में ही रहेगा। यदि केसर का रंग बदल जाता है तो वह नकली हो सकता है। अब केसर के फायदा क्या होते हैं? केसर के सेवन से शारीरिक कमजोरी दूर होती है, साथ ही सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, त्वचा और आंखों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। इसके सेवन से पाचन से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। इसके साथ ही डिप्रेशन, अनिद्रा से भी राहत मिलती है। इसके सेवन से त्वचा में निखार भी आता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को केसर वाला दूध पीने की सलाह दी जाती है, जिससे बच्चा स्वस्थ पैदा हो। केसर की खेती कहाँ कहाँ होती है? दुनिया भर में केसर की खेती सबसे ज्यादा ईरान में होती है। इसके अलावा इटली, स्पेन, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, ग्रीस, चीन तथा भारत में भी केसर की खेती की जाती है। भारत में केसर सिर्फ जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में ही उगाया जाता है।